देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, वार्षिक जगन्नाथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पुरी से शुरू हुई, और पुरी कहाँ पर? आपका ओडिशा में स्थित है। जगन्नाथ यात्रा जो रथ यात्रा है वो ओडिशा के पुरी से शुरू हुई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की तीन विशालकाय लकड़ी के रथों के ऊपर सवारी के साक्षी बनते हैं। तो ओडिशा के पुरी के अंतर्गत वार्षिक जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, भारतवर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा? तो देखिए इसके अंतर्गत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने का वचन दिया है। भारतीय सरकार हर वर्ष भारतीय प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 150 फिलिस्तीन पेशेवरों की सहायता कर रही है। देखिए जो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं उनके लिए नियर ईस्ट में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण कार्य एजेंसी दिसंबर 1949 में बनाया गया। वो एक राहत और मानव विकास एजेंसी है जो कि 5 मिलियन से अधिक पंजीकृत फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता करती है। इसलिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सऊदी अरब में स्थित है। अब ये करंट अफेयर्स इसलिए बना है क्योंकि जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उन्होंने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज यात्रियों के पहले जत्थे जो कि टोटल 419 हज यात्री हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये हज यात्री उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मेरठ, रामपुर और बुलंदशहर से हैं। पहली बार 2 लाख भारतीय मुसलमान इस वर्ष बिना किसी सब्सिडी के हज यात्रा के ऊपर जा रहे हैं। देश की कुल 2340 मुस्लिम महिलाएं इस वर्ष जो कि पिछले वर्ष 1180 थी वो बिना मेहरम के हज यात्रा के लिए रवाना हुई हैं। हज मुसलमानों के लिए सऊदी अरब में स्थित एक पवित्र शहर मक्का की एक वार्षिक इस्लामिक तीर्थ यात्रा है। यह मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है जिसे उन सभी वयस्क मुसलमानों के द्वारा अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए जो कि यात्रा करने के लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। तो सऊदी अरब में मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का स्थित है। नेक्स्ट आपको देखा है, रेलवे वर्ष 2021 तक ट्रेन की कितनी बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी? तो 7,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। तो पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय जो रेलवे है उसमें वर्ष 2021 तक जो प्रमुख यात्री ट्रेन है उसमें 7,000 से भी अधिक बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही है। प्रीमियम मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय जो ट्रेनें हैं उनकी बोगियों में सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए जा चुके हैं। प्रमुख यात्री पैसेंजर ट्रेनों की 1,300 बोगियों में भी कैमरे लगाए गए हैं। तो 7,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, किस राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित सभी 25 जिलों में एक समितियों का गठन करेगी? तो देखिए गंगा नदी की बात हो रही है और 25 जिलों की बात हो रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश क्या आएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने गंगा नदी के किनारे स्थित सभी 25 जिलों में गंगा समितियों का गठन करने का फैसला किया है। ये जो कदम है वो पवित्र नदी के बड़े पैमाने के ऊपर होने वाली स्वच्छता कार्यक्रम का एक भाग है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और जल संरक्षण, सूखी नदियों के पुनरुत्थान और वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण अभियान जैसे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके अनुसार राज्य में 15 नदियों को सूचीबद्ध किया गया है जो कि वर्तमान में सूख गई हैं और कार्य योजना के अंतर्गत इनका पुनरुत्थान किया जाएगा। राज्य में 1,185 करोड़ रुपए के स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़ी हुई टोटल 85 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें से 15 परियोजनाएं अब तक पूरी भी हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए डैश की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है। आपको बताना कि रबी की फसल होगी या खरीफ की फसल होगी, जायद की फसल होगी या फिर खाद्यान्न की फसल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
खरीफ की फसल होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आर्थिक मामलों की समिति है उसने वर्ष 2019-20 के लिए सभी जो खरीफ की फसलें हैं उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP के नाम से भी जाना जाता है उसमें वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उनके अनुसार इस कदम से किसानों के लिए सुनिश्चित जो पारिश्रमिक कीमत है उनके माध्यम से निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसमें खरीफ की फसल क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा MSP का मतलब क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मूल्य होता है जिसके ऊपर सरकार किसानों से फसल खरीदती है चाहे फसलों का मूल्य कुछ भी हो, यानी कहने का मतलब वो कम हो या अधिक हो उससे डिपेंड नहीं करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जिनके ऊपर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। तो खरीफ की फसल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, डेस ने फेसबुक के साथ में साझेदारी में एक डिजिटल साक्षरता पहल और उस पहल का नाम है डिजिटल उड़ान वो शुरू की है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जियो। रिलायंस जियो ने एक नया डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जिसका नाम है डिजिटल उड़ान वो शुरू किया है। डिजिटल उड़ान का उद्देश्य ऐसे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है जो कि इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र और ऐप के ऊपर पहली बार उपयोग कर रहे हैं। जियो डिजिटल उड़ान कार्यक्रम को 13 राज्यों और 200 स्थानों के ऊपर फेसबुक के साथ में साझेदारी से शुरू किया जा रहा है। डिजिटल उड़ान पहल में एक भाग के रूप में जियो जो फ़ोन है उसमें फीचर और विभिन्न एप्लीकेशन और जियो फोन में फेसबुक उपयोग करने सहित इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हर शनिवार को उपयोगकर्ता के साथ में जुड़कर उनकी सहायता की जाएगी। तो जियो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा, कांग्रेस अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहुल गांधी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी ने अपना जो त्याग पत्र है उसमें ये कहा है कि वह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भविष्य के विकास के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है और इसलिए वह पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राहुल गांधी के अनुसार पार्टी की जो कार्य समिति है उनके उत्तराधिकारी का निर्णय लेने के लिए शीघ्र ही एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी और संक्षिप्त नाम जिसको INC के नाम से जाना जाता है जो कि काफ़ी फेमस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात की जाए तो सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष का नाम पूछ ले तो डब्ल्यू सी बनर्जी जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षता का वर्ष पूछ ले तो सन 1885 और अधिवेशन का स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा, बॉम्बे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी और कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में 83 नंबर का जो अधिवेशन हुआ था उसकी राजीव गांधी ने अध्यक्षता की थी, बॉम्बे में वो अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में 84 नंबर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें PV नरसिम्हा राव ने अध्यक्षता की थी और तिरुपति में वो अधिवेशन हुआ था। 85 नंबर में सीताराम केसरी ने की थी, 86 में सोनिया गांधी ने की थी और अभी 87 का जो अधिवेशन है उसमें राहुल गांधी ने अध्यक्षता की है। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था सन 2017 से लेकर सन 2019। तो राहुल गांधी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कोर निवेश कंपनियों के लिए कार्य समूह का गठन किसने किया है? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोर निवेश कंपनियों के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा हेतु तपन रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक कार्य समूह का गठन किया है। श्री तपन रे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। तो RBI क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, किस बैंक ने NPA उगाही प्रक्रिया के लिए वेब टूल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा ये वेब टूल लॉन्च किया गया है। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के MD यानी कि प्रबंध निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, MS महाबलेश्वर है। उन्होंने बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्ति उगाही प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए वसूल 100 FT वेब टूल लॉन्च किया है, इसलिए कर्नाटक बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, MSME के लिए किस बैंक ने ऋण सुविधाओं हेतु CENMARG की स्थापना की है? तो पंजाब और सिंध बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO कौन है, S. हरिशंकर हैं। उन्होंने नई दिल्ली में जो स्थित मुख्यालय है उसमें ऋण सुविधाओं के लिए केंद्रीकृत MSME और जो खुदरा समूह है उसकी स्थापना की है। ये जो शाखाएं हैं वो खुदरा और MSME ऋण उपलब्ध कराने और ग्राहक सेवा बढ़ाने के ऊपर बेहतर रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। तो पंजाब एंड सिंध बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको दे रखा है, किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रविंद्र जडेजा नहीं होगा, MS धोनी भी नहीं होगा, विराट कोहली भी नहीं होगा, अंबाती रायडू क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अंबाती रायडू 33 वर्ष के हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के मध्य क्रम के ये बल्लेबाज हैं और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। उन्होंने अपने संन्यास लेने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। अंबाती रायडू विश्व कप के लिए भारत की आधिकारिक जो अतिरिक्त सूची है उसमें भी थे, लेकिन उन्हें 2 बार अनदेखा किया जा चुका है। शायद एक यही वजह है जिसके कारण इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने जुलाई 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना खेल का पदार्पण किया था। अंबाती रायडू जो है वो तिरुपंथी जो रायडू हैं वो दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में इन्होंने खेले हैं और उन्होंने समय समय के ऊपर दाएं हाथ में ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करके भी विकेट लिए हैं। तो फिलहाल इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 5 जुलाई 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन के साथ में। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।